आज की हमारी रेसिपी एक अनोखी रेसिपी है। मूंग दाल से हम बनाएंगे जो लॉन्ग लास्टिंग महीनों महीनों तक आप स्टोर करके इस मिठाई को रख सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी बनती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाय, मैं हूं सीमा, स्वागत करती हूं आपका अपने कुकिंग चैनल में। तो आज जो हम मिठाई बनाएंगे वो मूंग दाल से बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बिना चाशनी के इतनी अच्छी और इतनी स्वादिष्ट मिठाई बनती है कि हम बता नहीं सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बड़े बच्चे सभी को बेहद पसंद आएगी। आप खुद बना के यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी अच्छी मिठाई अपने खुद घर पे बनाया है। आने वाले गेस्ट भी, हर कोई घर में सारे लोग चौंक जाएंगे कि आपने कितनी अच्छी मिठाई अपने खुद मूंग दाल से बनाई हो, वो भी लॉन्ग लास्टिंग। स्टोर आप करके रख सकते हैं इस मिठाई को, आप कहीं भी जाएँ तो आप इसे पैक में डब्बा में भर के ले भी जा सकते हैं। घूमने के लिए कहीं भी जाएं या किसी के यहाँ जाएं तो चौंक जाएंगे कि ये खुद के बनाए हुए आप मिठाई ने आप उनके यहाँ लेकर गए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाएं। इसके लिए हमने मूंग दाल को ओवरनाइट भिंगोया हुआ मूंग दाल को हल्के से इसका पानी हमने सुखा दिया है, एसी के सामने रख के 10 मिनट के लिए सिर्फ पानी इसमें कर सुखाया। फिर हमने इसे रिफाइंड में फ्राई किए गोल्डन ब्राउन होने तक, इसे हमने फ्राई कर लिए। फ्राई करने का मीडियम टू लो फ्लेम पर कि जले नहीं, और ये अच्छे से हम फ्राई करके इसे सबको एक बड़े बाउल में सबको निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से मूंग दाल मेरा फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स। इसे हम एक बाउल में सबको निकाल लेंगे छान के अच्छे से। देखिए कितने अच्छे फ्राई हुई है। अब इसे हम सबको मूंग दाल को ग्राइंडर में अच्छे से पाउडर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट इसकी मिठाई बनती है, और ये खराब, मेन बात है कि खराब इसलिए नहीं होती है कि इसमें पानी कहीं भी हमको पानी ऐड नहीं करना, इसे घी से ही हम तैयार करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। आप इस मिठाई को किसी भी त्यौहार पे, किसी ओकेजन से ऐसे भी दिल करे खाने को कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इसे आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि कभी ख़राब नहीं होगा, एकदम ख़राब होने का तो चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे हमने चीनी का पाउडर तैयार कर लिया है। अब बादाम के दाने को क्रश कर लेंगे, काजू को खल में क्रश कर लेंगे। यहाँ पे काजू क्रश कर लिए, बादाम भी रेडी है। सबको एक छोटे बाउल में सबको निकाल लेंगे। और मूंग दाल के बेसन को भूनने के लिए हमने गैस के ऑन कर लिया। कढ़ाई में हम घी डालेंगे, शुद्ध देसी घी इसमें हमने ऐड किया है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी इसे बना सकते हैं, पर घी में बनाने से ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। गैस फ्लेम को लो करेंगे और हल्के हाथों से धीमे धीमे चलाते हुए इसे हम अच्छे से भूनेंगे। बीच में 5 मिनट भूनने के बाद इसमें चीनी का जो पाउडर है उससे हम ऐड करेंगे, और फिर उससे हल्के हल्के इसे मिलाएंगे, टोटल को अच्छे से मिलाएंगे। जब हमारा ये मूंग दाल का मिश्रण अच्छे से भून जाएगा तो खुद ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। आप इसे हल्के हाथों से जो गुठली बनी हुई उसे तोड़ें, उसके बाद जो क्रश करके हमने बादाम डाले थे उसे ऐड करेंगे, उसके बाद काजू जो क्रश करके डाले थे उससे भी हम ऐड करेंगे, इलायची पाउडर अब ऐड करेंगे, और सबको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसकी बॉन्डिंग जो है बंधने लायक अभी तैयार नहीं हुआ, जिससे हम किसी तरह का इसमें शेप दे सकें। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें फिर से हम घी डालेंगे, क्योंकि एक ही बार में टोटल घी को डालना नहीं है। पहले हल्के से 2-4 चम्मच घी, आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हो उस अनुसार घी पहले डालें, और जब भूनने के बाद सारे मिश्रण डालने के बाद आप देख लें कि इसमें किस तरह कितने घी हमें चाहिए, तो उससे हल्के हल्के चम्मच से डालते हुए पूरे कंप्लीट करें, जबकि अच्छे से उससे हम पीस काट सके, बना सके या लड्डू बना सके, जो भी शेप इसका आप देना चाहें। फिर यहाँ हमने थाली में कद्दूकस किया हुआ, चॉप किया हुआ नारियल का बुरादा हमने यहाँ डाला है, जो मार्केट से हमने मंगा के रखे थे। वो नीचे बादाम का कुछ टुकड़े हमने डाले थे जो क्रश करके रखे थे, और उसके ऊपर से हमने जो मिश्रण तैयार किया मिठाई के लिए उससे सबको डालेंगे, तब चांदी वर्क से सजाएंगे। ऐसा जो आप देख रहे हैं इस तरह के शेप में बहुत सारे घर में डब्बा मिल जाते हैं, जिसका ऊपर का जो कैप होता है उससे हम कट लगाएंगे, जो कि पूरा सेट बिना हुए ही इसको कट लगाएंगे। सेट हो जाने पर कट जल्दी हो नहीं पाएगा। देखिए कितने अच्छे शेप में तैयार हुआ है मेरा ये मिठाई, जो रेसिपी हमने तैयार किया मूंग दाल से।
फ्रेंड्स आप विश्वास नहीं करेंगे, आप एक बार बना को तो देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे कितना स्वादिष्ट, कितना टेस्टी बनती है और लॉन्ग लास्टिंग स्टोर आप इसे करके रख सकते हैं। ऊपर से हमने यहाँ क्रस्ट किए हुए पिस्ता से सजा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी महंगी मिठाई भी इसके आगे फेल है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फ्रेंड्स अगर आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे बचे हुए जो इसमें के कुछ भाग थे जो कट करके हमने साइड साइड से जो निकले हुए थे पीसेस थे, उससे हमने लड्डू के शेप में लड्डू तैयार कर लिया, उसे भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। सभी को बेहद पसंद आएगा, बड़े बच्चे को, उसे बर्बाद नहीं करना है। उसे भी हम शेप देकर जो हम लड्डू तैयार किया है बचे भाग को, ये कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बता नहीं सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाकर देखें, सब खुश हो जाएंगे। आप बनाकर खुशी से झूम उठेंगे कि आपने कितनी अच्छी मिठाई, मूंग दाल की मिठाई खुद से तैयार की है। यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही आसान है, और ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा सामग्री की इसमें मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और खुशी जो होती है पूछिए मत, आप जब बनाएंगे तो आपको खुद यकीन होगा कि हाँ हमने कितनी अच्छी मिठाई खुद से बनाई है। इतनी महंगी मिठाई जो कि मार्केट में इतनी आसानी से इतनी अच्छी मिठाई कभी नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।